पिछले कुछ दिनों से सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसमें नेता से अभिनेता तक के बयान सामने आए हैं। हाल ही में FTII के अध्यक्ष बने अनुपम खेर ने राष्ट्रगान पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जब लोग सिनेमा घरों में टिकट के लिए लंबी लाइनों में खड़े हो सकते हैं तो राष्ट्रगान के लिए क्यों नहीं। अनुपम खेर पुणे में दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन मेमोरियल अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे। यही उन्होंने अपने भाषण में कहा, अगर लोग रेस्टोरेंट में इंतजार कर सकते हैं, सिनेमा घरों में टिकट के लिए लंबी लाइनों में खड़े हो सकते हैं, पार्टीज में खड़े हो सकते हैं, तो फिर वो सिनेमा घरों में राष्ट्रगान के लिए सिर्फ 52 सेकंड्स तक क्यों नहीं खड़े हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।